वो कहा ना अल्लामा इकबाल ने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जो तबाही और बर्बादी पिछले 5 साल से जम्मू कश्मीर में होती आई, उसका इलाज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, उसका काफी सारा इलाज जम्मू कश्मीर की हुकूमत को करना होगा। तभी तो ये बीजेपी वाले इलेक्शन नहीं करा रहे। लोगों की नाराजगी था, छोटा सा हिस्सा उन्होंने करगिल के इलेक्शन में देखा, 26 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती। आज जम्मू कश्मीर का हाल यह है, आज अगर असेंबली इलेक्शन हुए, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं। मैं दावे से कहता हूं कि बीजेपी को 10 की सीटें नहीं आएंगी जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में। वो अगर अपनी बी टीम सी टीम डी टीम, इसलिए वो इलेक्शन नहीं कराने, क्योंकि वो जानते हैं कि तमाम चीजों का हम किताब खोलना शुरू करेंगे। जो काले कानून यहां लगे, जिनको इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत यहां लोगों को टॉर्चर किया गया, जिसके तहत यहां मीडिया को दबाया गया, अखबार वालों के कलम तोड़े गए, एनजीओ को खत्म किए, बेरोजगार नौजवानों से रिश्वत ली, जो बड़े बड़े कंपनियां यहां काम कर रहे हैं उनसे रिश्वत लेने का जो इल्जाम लगा, ये सारा खुल जाएगा लोगों के सामने। इसलिए वो चाहते नहीं है कि इख्तदार दोबारा लोगों के हाथ में ट्रांसफर हो, लेकिन कब तक भागेंगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक ना एक दिन उनको यहां पे इलेक्शन कराने ही कराने होंगे। और मैं आप एक एक फर्द फर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके दिलों की उम्मीदों के बराबर जो है यहां पे हुकूमत बनेगी, और वो हुकूमत आपके लिए काम करेगी। 31 अक्टूबर यूटी फॉर्मेशन, क्या हमारी मर्जी से बना यूटी? क्या हमसे पूछ के बना यूटी? क्या इस यूटी में 10 पैसे का फायदा हमें हुआ? मेरे नौजवान जिनको कहा गया था कि बस यूटी बना और आपके घर सरकारी मुलाजमत के ऑर्डर पहुंचेंगे, जिस नौजवान के घर वो ऑर्डर पहुंचा पूछे वो हमारे अफसर, चाहे वो केएएस के थे, चाहे आईपीएस के थे, चाहे आईएएस के थे, आज उन बेचारों का नामो निशान नहीं। ढूंढ ढूंढ के भी आपको हमारी जबान में बोलने वाला कोई अफसर नहीं मिलेगा। मजहब तो दूर की बात, आखिरकार क्या कसूर हमारा? जरा यूपी में ये करके दिखाओ, मैं भी मानू। एक भी मुसलमान सीनियर अफसर नहीं। आपने सेंट्रेट भी खाली कर दिए, पुलिस को भी लगभग खाली किया, जिलों को खाली किया, जिन अफसरों ने हमें जाते जाते तालियां बजाई, आज वो बेचारे भी कर बदर के ठोकरे खा रहे हैं। तभी अल्फाजों में चुपचाप हमें कहीं मिलके कहते रहा।